नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अर्जुन मालविया, एमडी मास्टर गुरु क्लासेस एंड वेलकम फॉर योर चैनल मास्टर गुरु क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज बहुत दिनों बाद इंटरेक्ट हो रहा हूँ आपसे। उसका रीज़न है कि स्टूडेंट्स में डाटा कलेक्ट कर रहा था, तो आज का जो जो सेशन है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका नाम है बेसिक नॉलेज। उसका नाम है बेसिक नॉलेज फॉर मी 2018। स्टूडेंट्स, जो मैंने अक्सर देखा है छात्र जीवन में, मुझे भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि पहले हमारे टाइम पर एमपी पीएमटी हुआ करता था, ऑल इंडिया पीएमटी हुआ करता था, तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, कितने मार्किंग आएगी, कितना कट ऑफ जाएगा, काउंसलिंग कैसे होगी, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट्स मेरे मन में रहते थे। और आज भी मेरे पास जो व्हाट्सएप फेसबुक में बहुत से स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब पर जो बहुत से मेरे छात्र छात्राएं हैं, वो एक बेसिक से क्वेश्चन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी बहुत सी ज़रूरत है स्टूडेंट्स को नीट के बारे में बताने की। तो स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आपको नीट का फुल फॉर्म बता देता हूँ, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट। स्टूडेंट, नीट का फुल फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स। इसी साल अभी 9 अटैम्प्ट्स हैं जनरल कैटेगरी के और 14 अटैम्प्ट हैं एससी एसटी और ओबीसी के। स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद इंटरेक्ट हो रहा हूँ और ये पूरा का पूरा डाटा इस बार मैंने कलेक्ट कर लिया है और अब आपको दे रहा हूँ, और इसमें पीडीएफ भी डाल दूंगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स, बात कर रहा था 9 अटैम्प्ट जनरल कैटेगरी के और 14 अटैम्प्ट एससी एसटी और ओबीसी के हैं। इसका स्टूडेंट्स एज लिमिट जनरल कैटेगरी की 17 से 25, एससी एसटी ओबीसी की 17 से 30 ईयर्स। फिर उसका स्टूडेंट्स प्रेजेंट सीबीएसई देन नेक्स्ट ईयर नीट कंडक्टेड बाय एनटीए। जैसे स्टूडेंट्स इस साल अभी सीबीएसई कंडक्ट कर रहा है नीट, नेक्स्ट ईयर से एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब इसे कंडक्ट किया करेगी। फिर स्टूडेंट्स इसका एग्जाम डेट आप सभी को मालूम है 6 मई को है, और इसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत मेहनत चल रही होगी। इसके बाद जो वीडियो डालेगा स्टूडेंट्स में बताऊँगा आपको कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, अभी क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, स्टूडेंट्स बेसिक बात कर लेते हैं। फिर स्टूडेंट्स, मतलब मैंने अक्सर देखा है कि 20 आवर्स पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स 20 घंटे पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। स्टूडेंट्स, सिलेक्शन देती है स्मार्ट स्टडी। जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होता है क्या? नहीं भाई, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ मेरा सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन ये हर कंडीशन में ठीक नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के कमरों में जाओ या कभी उनके कमरे में जाकर स्टडी रूम में देखो, तो ऐसा लगता है कि वार रूम में आ गए हो, इतनी बुक्स ये वो, मतलब ढेर सारे। स्टूडेंट्स से कुछ भी नहीं है, स्मार्ट स्टडी करें, नो टेंशन, कीप काल्म एंड कीप कूल। और स्टूडेंट्स, कोई मतलब नहीं है इतना प्रेशर इतना टेंशन लेने की, 20 घंटे तो बिल्कुल भी नहीं, स्मार्ट स्टडी करें, बताऊँगा मैं आपको अभी। फिर स्टूडेंट्स, आपको कुछ स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ मैं, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को बता दूँ मैं आपको, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं नीट में, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखें, फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो है 45 क्वेश्चन। फिर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में आते हैं 45 क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद बायोलॉजी। स्टूडेंट्स बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया था, जूलॉजी और बॉटनी, तो उसके हो जाते हैं 45 45 90 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो पर ईच क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल हमारा मार्किंग हो जाती है 720 मार्क्स। स्टूडेंट्स अब याद रखें 720 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। फिर स्टूडेंट्स में जो नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो -1 की होती है। जैसे मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन ठीक करा और इसका अगला क्वेश्चन गलत कर दिया आपने, तो इसके ऊपर वाले में जो 4 मार्क्स मिल रहा था उसमें से -1 हो जाएगा, मतलब आपको 3 मार्क्स मिलेगा। इसके 2 मार्क्स मिल नहीं रहा है, ऊपर के भी 1 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स बात करेंगे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली जो डाटा निकाला है मैंने, उसके अंदर मेडिकल कॉलेजेस दिए गए, तो 426 मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के और 303 डेंटल कॉलेज हैं जिन्हें बीडीएस कॉलेज बोलते हैं। तो स्टूडेंट टोटल ओवरऑल 79,355 एमबीबीएस और बीडीएस दोनों कॉलेज में लाकर हैं। और फिर स्टूडेंट्स बात सीट्स की कर लें, 28,000 सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज की हैं और 29,000 सीट्स प्राइवेट कॉलेज की हैं। फिर स्टूडेंट बात करेंगे
स्टूडेंट मैंने अक्सर देखा है 11 लाख, मैंने जो डाटा देखा है 11 लाख से 13 लाख स्टूडेंट जो है हर साल नीट में अपियर होता है। फिर बात करेंगे स्टूडेंट्स कट ऑफ मार्क्स की, तो स्टूडेंट जैसे सभी को मालूम है कट ऑफ मार्क्स के लिए हमें चाहे हम जनरल कैटेगरी के हों, एससी के हों या एसटी के हों, हम यही सोच कर चलें कि हमें 550+ तो लाने ही हैं। 550+ में आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी, ये 100% गारंटी है। 550+ में आपकी सीट 100% सिक्योर है स्टूडेंट्स, लिए बहुत आराम से तैयारी करें, 550 से 600+ का टारगेट लेकर चलेंगे तो पक्का आपकी सीट सिक्योर होगी। फिर स्टूडेंट्स बात करेंगे स्मार्ट स्टडी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। स्टूडेंट पहला पॉइंट जो दिया गया है, अब से कुछ ही महीने बचे हुए हैं, स्टूडेंट्स कीप काल्म, स्टडी स्मार्टली, कूल माइंड एंड बी कॉन्फिडेंट। फिर स्टूडेंट बात करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर को रिव्यूज करते रहें, डेली 200 क्वेश्चंस आपको खुद से लगाने हैं सॉल्व पेपर्स में। स्टूडेंट आप ध्यान रखें, आप सबसे ज्यादा सॉल्व पेपर पर कंसंट्रेट करो, पास्ट 30 ईयर्स के क्वेश्चन लगाएं, और स्टूडेंट्स रोज के 200 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं डेली, और वो भी खुद से, ऐसा नहीं आपने पीछे आंसर देख लिए तो हिंट देख लिया, स्टूडेंट ऐसे नहीं, अगर आपसे खुद से क्वेश्चन बनने लगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, तो स्टूडेंट पक्का आपका सिलेक्शन होगा। फिर स्टूडेंट बात करेंगे हम डेली आपको एक सॉल्व पेपर तो करना ही है, फिर बात करेंगे एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, रिलैक्स होकर स्टडी करिए, एक प्रॉपर शेड्यूल रखिए अपना, क्विक रिवीजन कीजिए स्टूडेंट्स। अभी अरिहंत का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एक बुक आई है, तो वो बहुत अच्छा दिया गया है, चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, सारी चीज़ें सीक्वेंस जमी हुई हैं, तो स्टूडेंट्स आप अरिहंत की जो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज की जो सॉल्व पेपर्स की जो बुक है वो ले लें, आप बहुत बढ़िया है, मेरे पास स्पेसिमेन था, मैंने भी कुछ स्टूडेंट्स को दे दिया सॉल्व करने के लिए, तो स्टूडेंट्स आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अरिहंत की बुक ज़रूर लें, बहुत बढ़िया दिया गया है उसके अंदर, मैंने खुद देखा है, बाकी आप अपने संयम से देख सकते हैं, बाकी आप अगर जो अच्छा लगे आपको। फिर स्टूडेंट डेली फिजिक्स के 20 न्यूमेरिकल्स खुद से करना है आपको डेली, मैंने जो प्रैक्टिस देखी है कर 20 क्वेश्चंस आपको डेली करना है स्टूडेंट, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है क्योंकि स्टूडेंट्स मैं खुद 2006-2007 में डेंटल सेलेक्ट हुआ था, तो जिस समय मैं स्टडी कर रहा था वही आपको बता रहा हूँ, डेली आपको 20 क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आपको डेली केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन करना है डेली, आपको डेली फिजिक्स के 20 क्वेश्चन और आपको स्टूडेंट 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करना है स्टूडेंट्स आपको डेली, और स्टूडेंट्स आपको 100 क्वेश्चन डेली लगाना है आपको बायोलॉजी के, डेली 100 क्वेश्चन। फिर स्टूडेंट्स और बायोलॉजी को चैप्टर वाइज अपने छोटे छोटे हिंट पॉइंट्स की नोट्स द्वारा भी जमा सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स प्लीज़ एनसीईआरटी ही फॉलो करें, मैं बार बार हर स्टूडेंट से बोलता हूँ कि एनसीईआरटी फॉलो करें, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखे मैंने एनसीईआरटी बायोलॉजी से, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा, एनसीईआरटी ऑफ फिंगर टिप्स बहुत बढ़िया बुक होती है, लेकिन अब बहुत बढ़िया आप एनसीईआरटी का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, तीनों को बहुत अच्छे से करिए, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ बहुत से स्टूडेंट से कि स्टूडेंट फॉलो करें आप, बहुत बढ़िया एनसीईआरटी। फिर स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, स्टूडेंट बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस रखिए, स्टूडेंट डेली अपनी एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो की मिस्टेक निकाले और देखिए कौन सा पोर्शन वीक है वही स्ट्रॉन्ग बनाइए। फिर स्टूडेंट्स क्योंकि सबसे अच्छे से ज़्यादा हम खुद को जानते हैं ना कि दूसरा, इसलिए स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटर बनिए और खुद को बिल्डअप कीजिए, देखिए कहाँ मिस्टेक हो रही है और कहाँ हम उसे सुधार कर सकते हैं, सुधार करना है। स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट देता हूँ, एक तो एनसीईआरटी मेरी पहली बात हो गई, दूसरी बात मेरी बहुत इम्पोर्टेंट थी ये सारे क्वेश्चन खुद से लगाने की, और स्टूडेंट मेरी तीसरी बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा करती थी, वो है टाइम मैनेजमेंट। आप स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट रखें, पेपर 3 आवर्स में आता है, आप 2.5 आवर में, 2.5 घंटे में उसको सॉल्व कीजिए, इतनी प्रैक्टिस और इतनी स्पीड होना चाहिए आपकी। फिर स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है नीट प्रिपरेशन में और पेपर सॉल्व करने में, तो स्टूडेंट टाइम का ध्यान रखिए। फिर स्टूडेंट्स हाईली वेटेज टॉपिक पर फोकस के लिए डोंट लीव एनी हाई वेटेज टॉपिक,
हाई वेटेज टॉपिक आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे स्टूडेंट, मैं आपको वेटेज टॉपिक भी बताऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पीछे हैं अभी इसमें। फिर स्टूडेंट बात करेंगे टू इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड एंड एक्यूरेसी, सॉल्व मॉडल टेस्ट पेपर विद टाइमर, ट्राई टू फिनिश पेपर इन लिमिटेड टाइम, एनालाइज योर गेट टाइम टू चेक बैक आंसर और नॉट, इंक्रीज स्पीड एंड चेक एक्यूरेसी एवरी डे, स्लोली विल यू इंप्रूव स्टूडेंट, डोंट स्किप टफ क्वेश्चंस। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था मेरे छात्र जीवन में, मैं कभी भी कोई सी क्वेश्चन जो बहुत टफ उसको स्किप नहीं करता था, मैं उसको सॉल्व कर कर ही छोड़ता था। स्टूडेंट आप कोई ऐसा टफ क्वेश्चन स्किप ना करें, उसको बहुत अच्छे से करें, शायद उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम बच जाए। फिर बात करेंगे स्टूडेंट आगे की, प्रैक्टिस मॉडल टेस्ट पेपर, ट्राई नॉट टू अटेम्प्ट अनश्योर क्वेश्चन। स्टूडेंट आगे स्टूडेंट थ्योरी और कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो ही चुके होंगे, अब टाइम सेल्फ एनालिसिस का है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाइए वो भी खुद से, और अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अभी भी बहुत टाइम है, अक्सर देखा है मैंने लास्ट मोमेंट पर मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो एंडिंग टाइम पर अपना पूरा फोर्स लगा देता है। किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो मत करिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए, बस NCERT को फॉलो करते रहिए और निश्चित रहिए। फिर स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, हड़बड़ाहट में काम बिगड़ते हैं स्टूडेंट्स, मैंने अक्सर देखा है, इसलिए रिलैक्स रहिए, क्योंकि अपने बायो आपने जो है बायो को लेकर और डॉक्टर बनने का जो सपना देखकर आप 50% काम तो कर ही लिया है, बस अब 50% काम और बचा है, वो भी ईमानदारी से। स्टूडेंट आपने जो डॉक्टर बनने का सपना देखा है, वो आपने जो ड्रीम देख लिया 50% वर्क तो आपका हो चुका, बस आपको 50% वर्क अब अपनी मेहनत डालना है नीट में, और बहुत मेहनत करना है स्टूडेंट डॉक्टर बन सकते हैं। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ, कोई चीज़ टफ नहीं है। फिर स्टूडेंट स्टूडेंट का शो ऑफ मत करिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी नेगेटिव थिंकर की बात मत सुनिए, अपनी तैयारी में लगी रहिए, आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। फिर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली बात करता हूँ आपसे, कुछ स्टूडेंट कुछ दिन पढ़कर सिलेक्शन नहीं होता, उसके लिए सालों की मेहनत लगती है, जैसे 9th, 10th, 11th, 12th डे से नीट, जैसे 9th, 11th को फॉलो करती है क्लास, ऐसे 10th, 12th को फॉलो करती है स्टूडेंट। सच बात तो ये है नीट बहुत मेहनत मांगता है, ये बात सच है। मेरे फादर खुद मेडिकल कॉलेज में 20 इयर्स से हैं, अब जॉब कर रहे हैं, हज़ारों डॉक्टर बनते देखे हैं, उन्होंने बहुत से मेडिकल स्टूडेंट से बात की है, उनकी मेडिकल स्टूडेंट से रोज़ बात होती है, तो उनका एक ही आंसर होता है, स्टडी कंसंट्रेशन, सेक्रीफाइस, डेडिकेशन एंड स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट अभी भी जुट जाइए, बहुत मेहनत करना है आपको, लेकिन वो 20-20 घंटे वाली नहीं, स्मार्ट स्टडी पढ़ना है, कुछ देर पढ़ के 10 मिनट टहल लीजिए, फिर पढ़िए। स्टूडेंट मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि एक बहुत देर तक स्टूडेंट जो बैठा हुआ स्टूडेंट कर रहा है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है पढ़ते, इसलिए स्टूडेंट साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अगर आप 1 घंटा पढ़ लिए हैं तो फिर उसके बाद 5-10 मिनट का रेस्ट कीजिए, फिर पढ़ने बैठिए, ताकि जो दिमाग के न्यूरॉन है वो रिलैक्स हो जाए। फिर स्टूडेंट बात करेंगे वेटेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स की, मैं वेटेज की बात कर लेता हूँ, आप नोट करते रहिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 16 क्वेश्चन इंटू 4 64 मार्क्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 16 क्वेश्चन इंटू 4 64 मार्क्स, फिजिकल केमिस्ट्री 13 क्वेश्चन इंटू 4 52 मार्क्स। स्टूडेंट ये केमिस्ट्री का बता रहा हूँ मैं आपको, 45 क्वेश्चन हो चुके हैं, 180 मार्क्स कंप्लीट है। फिर से सुन लीजिए, 16 क्वेश्चन और इनऑर्गेनिक में से, ऑर्गेनिक में 16 क्वेश्चन और फिजिकल केमिस्ट्री में से 13 क्वेश्चन। स्टूडेंट ये अप्रॉक्स वैल्यूज है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखें। फिर स्टूडेंट बात करूंगा केमिकल बॉन्डिंग, 4 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट केमिकल बॉन्डिंग में से, याद रखें आप केमिकल बॉन्डिंग सीबी में से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 × 4 = 16 वेटेज स्टूडेंट 8.80% है इसमें, 8.89% का वेटेज है। फिर स्टूडेंट बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से 1 क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स, डी ब्लॉक में से 1 क्वेश्चन, हाइड्रोजन में से 1 क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है, मेटलर्जिकल प्रोसेस में से 1 क्वेश्चन आने की संभावनाएं, ये अप्रॉक्स डाटा है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी आप वेटेज वाले टॉपिक देख सकते हैं। पीरियोडिसिटी में से 3 क्वेश्चन स्टूडेंट याद रखें आप, पीरियोडिसिटी में से 3 क्वेश्चन स्टूडेंट, इसके बाद पी ब्लॉक में से 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर स्टूडेंट बात करेंगे अल्कोहल में से 1 क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन में से 2 क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं, बायोमोलिक्यूल्स में से 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में से 2 क्वेश्चन। स्टूडेंट बायोमोलिक्यूल भी याद रखें, 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में से 2 क्वेश्चन, ईथर में से 1, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 1 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन में से 2 क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म में से 2 क्वेश्चन, पॉलीमर में से 1 क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से 1 क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम में से 1 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स में से 2 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इस शीट में जो मैं देख रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग के 4, पी ब्लॉक के 4,
पीरियोडिसिटी के तीन, एल्डिहाइड कीटों के दो, बायो मॉलिक्यूल्स के तीन, केमिस्ट्री ऑफ डिहाइड के दो, हाइड्रोकार्बन के दो, आइसोमेरिज्म के दो और केमिकल काइनेटिक्स के दो। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आप इन्हें नोट करते जाएं, मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा स्टूडेंट, ये मैंने खुद से ही पूरा का पूरा जो है डाटा निकाला है। तो आप ही के लिए स्टूडेंट, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन, गैसीय स्टेट में से एक क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम में से एक क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट में से दो क्वेश्चन, सॉल्यूशन में से दो क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन और थर्मोडायनेमिक में से स्टूडेंट दो क्वेश्चन, टोटल 45 क्वेश्चन हो चुके हैं स्टूडेंट्स। तो ये अप्रॉक्स डाटा है, कभी दो कभी एक, कभी किसी में से चार कभी तीन, कभी किसी में से चार कभी दो स्टूडेंट, ये मैंने अप्रॉक्स डाटा जो निकाला है ये अप्रॉक्स ही है, लेकिन आप थोड़ा सा और आपको एक आइडिया हो जाएगा किसी में से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर मास्टर ग्रुप क्लासेस में बायोलॉजी की फैकल्टी भी हूँ, तो बायोलॉजी के जो मैंने वेटेज निकाला, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से तीन क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से तीन क्वेश्चन, सेल बायोलॉजी में से फोर क्वेश्चन, इकोलॉजी में से छह क्वेश्चन स्टूडेंट, इकोलॉजी में छह क्वेश्चन स्टूडेंट में लिख देता हूँ। सबसे पहले आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से तीन क्वेश्चन, फिर स्टूडेंट्स इकोलॉजी में से छह क्वेश्चन, सेल बायोलॉजी में से चार क्वेश्चन स्टूडेंट, से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर स्टूडेंट लिविंग वर्ल्ड में से एक क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से छह क्वेश्चन आ रहे स्टूडेंट, जेनेटिक्स का पार्ट है। फिर स्टूडेंट मॉर्फोलॉजी में से एक क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में से एक क्वेश्चन संभावनाएं हैं, प्लांट एनाटॉमी में से तीन क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्लांट एनाटॉमी में से तीन क्वेश्चन, प्लांट मॉर्फोलॉजी में से दो क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट रिप्रो स्टूडेंट किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का स्टूडेंट, फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रो में से पांच क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। फिर एनिमल किंगडम में से तीन क्वेश्चन, एनिमल मॉर्फोलॉजी में से वन, एनिमल फिजियोलॉजी में से एक क्वेश्चन, बायो मॉलिक्यूल्स में चार क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल स्टूडेंट चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्टूडेंट इवोल्यूशन में से एक क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से तीन क्वेश्चन, ह्यूमन फिजियोलॉजी में से 16 क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आप ह्यूमन फिजियो याद रखें, आप ह्यूमन फिजियो में से 16 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, 16 क्वेश्चन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से एक, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में से तीन क्वेश्चन, फिर स्टूडेंट बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से दो क्वेश्चन, फूड प्रोडक्शन में से दो क्वेश्चन। तो स्टूडेंट मैंने 2017 का पेपर जो एनालिसिस करा था उसमें 46 क्वेश्चन 12th से आए थे और 44 क्वेश्चन 11th से आए थे स्टूडेंट, मैंने एनालिसिस किया था, मैं लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट जो मैंने देखे थे इसमें जो 46 क्वेश्चन जो आए हैं वो 12th क्लास से आए हैं और 44 क्वेश्चन जो आए हैं वो 11th क्लास में से आए हैं स्टूडेंट, ये आप याद रखें, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं 46 और 44। फिर स्टूडेंट याद रखेंगे हम आगे बढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, आपसे तीन क्वेश्चन बताए थे हम उसको डेराइव करेंगे, तो किंगडम होनेरा में से दो और वायरस में से एक, सेल बायोलॉजी में से मैंने चार क्वेश्चन बताए थे आपको, उसमें से सेल डिवीजन में से दो आ सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में से एक, प्रोकैरियोटिक सेल में से एक स्टूडेंट ने, इकोलॉजी के साथ छह क्वेश्चन बोले थे, तो इकोलॉजी में से बायोडायवर्सिटी में से एक, बायोस्फीयर रिजर्व में से एक, इकोसिस्टम में से एक, एनवायरनमेंट इश्यू एक, पॉपुलेशन ग्रोथ एक और स्टारिफिकेशन एक। फिर स्टूडेंट जेनेटिक्स में से पांच क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं, तो ब्लड ग्रुपिंग में से एक, जेनेटिक डिसऑर्डर में दो, मेंडल बायोग्राफी में से एक और मेंडल सिलेक्टेड कैरेक्टर में से एक। स्टूडेंट मैंने इसका पीडीएफ भी बना दूंगा आपको जो मेरी शीट के अंदर, इसके अंदर परसेंटेज भी लिखे हुए हैं, फिर परसेंटेज को मार्क्स भी आप ध्यान से देख सकते हैं। फिर स्टूडेंट बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड में से एक बोला, टैक्सोनॉमिक एड्स में से एक क्वेश्चन आएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो मैंने 6 नंबर का बताया था, डीएनए पैकिंग में से एक, डीएनए रेप्लिकेशन में से दो, जेनेटिक कोड में से एक, जेनेटिक मटेरियल में से एक, आरएनए प्रोसेस में से एक, मॉर्फोलॉजी में से एक ही क्वेश्चन स्टूडेंट, रूट मॉडिफिकेशन पर आता है। फिर आगे बढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट, एक क्वेश्चन बनाता है फ्रूट्स में से। फिर बात करेंगे स्टूडेंट प्लांट एनाटॉमी में, तो प्लांट एनाटॉमी में जो तीन क्वेश्चन आपको बताए हैं वो जो तीन क्वेश्चन है वो सेकेंडरी ग्रोथ में से दो आते हैं, वो वुड में से एक, सैपवुड हार्डवुड आपने पढ़ा होगा, उनमें से एक क्वेश्चन बनाता है। प्लांट किंगडम में से मैंने आपको स्टूडेंट छह क्वेश्चन बोले, तो छह में से एल्गी में दो, एंजियोस्पर्म में एक, जिम्नोस्पर्म में एक, लाइफ साइकिल्स में एक और माइक्रोराइजा में एक। फिर स्टूडेंट प्लांट मॉर्फोलॉजी में से मैंने दो बोले थे, तो एक क्वेश्चन रूट में से बनाएंगे शायद और स्टेम मॉडिफिकेशन में से एक। फिर बात करेंगे स्टूडेंट सेलुलर रेस्पिरेशन में से एक,
मिनरल न्यूट्रिशन से एक, फोटोसिंथेसिस से दो, प्लांट ग्रोथ में से एक, वाटर ट्रांसपोर्ट में से एक, वाटर पोटेंशियल में से एक। अब बात करेंगे स्टूडेंट मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट 5 क्वेश्चन, तो इसमें से एम्ब्रियो सैक में से एक क्वेश्चन, एंडोस्पर्म में से एक क्वेश्चन और पॉलिनेशन में से 3 क्वेश्चन। स्टूडेंट अप्रॉक्स डाटा है, आगे पीछे हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। फिर स्टूडेंट बात करेंगे जूलॉजी की, जूलॉजी में एनिमल किंगडम में से 3 क्वेश्चन आते हैं, एनिमल किंगडम में से 3 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स में से एक, मैमल्स में से एक, पॉलीफेरा में से एक। फिर स्टूडेंट एनिमल मॉर्फोलॉजी में से एक क्वेश्चन आता है फ्रॉग में से एक क्वेश्चन, 100% बनते हैं स्टूडेंट, या अर्थवॉर्म में से। फिर स्टूडेंट एनिमल फिजियोलॉजी में से फ्रॉग रिप्रोडक्शन से एक क्वेश्चन बनाता है, बायोमोलिक्यूल्स में से मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए थे, तो डीएनए में से एक, एंजाइम एक, लिपिड एक और आरएनए प्रोसेसिंग में से एक क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी में 3 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, तो आर्टिफिशियल वेक्टर में से एक क्वेश्चन, ओपीएजी पेज थ्योरी में से 2 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। एवोल्यूशन में से एक आता है स्टूडेंट, ने अक्सर देखा एवोल्यूशन में एक ही क्वेश्चन बनाता है और वो है हॉर्स, हॉर्स एवोल्यूशन में से बनाता है स्टूडेंट, ठीक। ह्यूमन हेल्थ डिजीज में से 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन वो इम्यून सिस्टम से बनाता है और एक क्वेश्चन इंफेक्शियस डिजीज। फिर बात करेंगे स्टूडेंट आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जो मैंने आपसे 16 क्वेश्चन कहे थे, तो इसलिए याद रखेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में से कहे थे, तो स्टूडेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप याद रखेंगे, तो सबसे पहले आपको जो दिया गया सर्कुलेटरी सिस्टम स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी में से आपको बनेगा एक क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक। फिर स्टूडेंट डाइजेस्टिव में से आपको बनेंगे 3 क्वेश्चन, संभावनाएं हैं। फिर स्टूडेंट एंडोक्राइन सिस्टम में से आपके बनेंगे 4 क्वेश्चन। फिर स्टूडेंट एक्सक्रीटरी में से बनने की संभावनाएं हैं 2। फिर उसके बाद स्टूडेंट नर्वस में संभावनाएं हैं 2। फिर स्टूडेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम में से बनेगा 1। फिर उसके बाद सेंस ऑर्गन में से संभावनाएं 1। और उसके बाद स्केलेटन सिस्टम ह्यूमन इन लोकोमोशन में से 2। स्टूडेंट ये एक छोटा सा 16 क्वेश्चन का एक छोटा सा ग्राफ आपके सामने। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट मेल या फीमेल रिप्रोडक्शन में से एक क्वेश्चन आता है। फिर माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर 3 क्वेश्चन, तो बायो प्रोसेसिंग में से एक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में से एक और सीवेज ट्रीटमेंट में से एक। फिर स्टूडेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन एक, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक। फिर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन स्टूडेंट पहला एनिमल हस्बेंड्री में से एक क्वेश्चन बनाएगा और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में से एक क्वेश्चन बनाएगा। स्टूडेंट सिलेक्टिव डाटा निकाला गया है, उम्मीद है आप लोगों के बहुत काम आएगा, अप्रॉक्स डाटा है स्टूडेंट, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं अभी भी और कोशिश कर रहे हैं सिलेक्शन करने की, सिलेक्शन निकालने की, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत से बच्चों का सिलेक्शन किसी न किसी कारणवश रुक जाता है, लेकिन वे फिर भी इतनी मेहनत करते हैं, उनके 450, 438, 480, 470, 450, 430 ऐसे मार्क्स आते हैं, तो स्टूडेंट आप निराश ना हो। बहुत अब दुनिया का काम तो है बेटा बेकार की बातें करने का कि इतने में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो ये तो वो, थोड़ी देर अगर वो सिलेक्शन या वो मेहनत करके देखेंगे तो स्टूडेंट शायद उन्हें पता चलेगा, लेकिन वो खुद एंट्रेंस सिलेक्ट नहीं होते लेकिन दूसरों में गलतियाँ ढूंढते रहते हैं। बस स्टूडेंट आप टेंशन ना लें, आपकी कितनी भी मार्किंग होगी आप मेरे लिए हीरो हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अक्षय कुमार पांडे 438 मार्क्स हैं, अभी एनडी बीएसयू जबलपुर में बीएचयू बनारस में इनका सिलेक्शन हुआ था। अनुराग कुमार 381 मार्क्स आए थे, इनको पीपल्स मेडिकल कॉलेज मिला है, अभी जेएन केके भी जबलपुर वाला कॉलेज भी मिला था इन्हें। मनीष कुमार 334 मार्क्स पीपल्स मेडिकल कॉलेज में हैं। सत्यम सिंह राठौर आरडीएन मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेदिक 319 मार्क्स। फिर स्टूडेंट कुछ आईआईटी के स्टूडेंट भी हैं, विवेक चौरिया बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा, इसका एडिशनल सब्जेक्ट था इसके 360-350 मार्क्स थे नीट में, आईआईटी में इसके 140 मार्क्स है स्टूडेंट। शिवानी तिवारी यहीं से 9th, 10th, 11th, 12th और आईआईटी निकली है। फिर स्टूडेंट शुभम मालविया, वर्षा पटेल, अजय खरत, ये मेरे सारे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं जो दुर्भाग्यवश नहीं जा पाए मेडिकल कॉलेज में, लेकिन आज फिर भी किसी ने किसी अच्छे बी एच ई बनारस पीपल्स में आरडीएम आयुर्वेदिक आईआईटी एलएनसीटी से बहुत से कॉलेजेस में स्टूडेंट, लेकिन निराश ना हो आप मेहनत करते रहें, मैंने इनसे भी यही कहा है मेहनत करते रहिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा आपको, तो इसलिए खाली ना बैठें पढ़ते रहें कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा स्टूडेंट। अब मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ होगी कि अब आप रोज़ कितने क्वेश्चन लगाएं किसमें से लगाएं, और बस अभी कितने दिन और बचे चाहे स्टूडेंट, 1 महीना और है तो आप और अच्छे से मेहनत कर लें। अभी नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पर बनेगा, लेकिन उसमें एक वीडियो मैं 12th क्लास वालों के लिए डालने वाला हूँ, क्योंकि 26 को बोर्ड का पेपर है और आज 20 है,
21 है आज स्टूडेंट, आज 20 है तो स्टूडेंट मैं 3-4 दिन अब यही एनालिसिस करूंगा और मैं रोज़ कुछ ना कुछ क्वेश्चन 12th क्लास के डालता रहूंगा जो केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 26 को 12th एमपी बोर्ड केमिस्ट्री का पेपर है तो मैं उसका एनालिसिस आज से करूंगा रोज़ कल से छोटे छोटे थोड़े थोड़े वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालता रहूँगा स्टूडेंट्स। ओके बेटा नीट के लिए अच्छे से तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी IIT का वीडियो भी डालूंगा। स्टूडेंट कीप इट अप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से मेहनत करिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप डॉक्टर बन सकते हैं और 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सबसे पहले मेहनत भी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक।